नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शुरू हुए बवाल से उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार से जारी हिंसा में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 56 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बता दें, आज मंगलवार को सुबह से ही मौजपुर और ब्रह्मपुरी में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। घरों को जलाने की कोशिश की गई और फायरिंग की भी घटनाएं हुई। दिल्ली में बेहिसाब हिंसा के बीच दिल्ली के 4 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लगने वाले इलाके हैं मौजपुर, चांदबाग, जाफराबाद और करावल नगर। बता दें, यहां से लगातार हिंसा आगजनी की खबरें आ रही हैं और पुलिस पर भी हमले हुए हैं। दिल्ली में भड़की हिंसा पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही सचेत किया था कि कुछ लोग दिल्ली को दंगों वाली दिल्ली बनाना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में बेहिसाब हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और हत्या की घटनाओं ने देश का सीना छलनी कर दिया है। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और भीम आर्मी चीफ द्वारा दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में FIR दर्ज करने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। दायर याचिकाओं में शाहीनबाग की महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी है। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ द्वारा दायर याचिका में BJP नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिवॉल्वर लहराते हुए और पुलिसकर्मी को धमकाने वाले शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस शख्स की पहचान शाहरुख के रूप में हुई है और वह स्थानीय निवासी है। वायरल वीडियो में यह साफ नहीं है कि शाहरुख ने पुलिसकर्मी पर गोली चलाई या नहीं। बताया जा रहा है कि शख्स ने 8 राउंड फायरिंग की है। दिल्ली में हिंसा की गंभीरता को देखते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सांसदों, विधायकों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी जरूरत होगी हम सब मिलकर करेंगे, पुलिस की कमी नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। BJP सांसद गौतम गंभीर ने कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण पर कहा है कि ऐसा करने वाला कोई भी हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या किसी भी पार्टी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण को दिल्ली में हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक आजादी के समर्थक हैं। पत्रकारों के साथ वार्ता में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में हो रही हिंसा के बारे में सुना है, लेकिन यह भारत का आंतरिक मामला है। ट्रंप ने कहा कि हमने धार्मिक आज़ादी पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि लोगों की धार्मिक आज़ादी बनी रहे। उन्होंने नागरिकता कानून को भारत का आंतरिक मामला बताया और उम्मीद जताई कि भारत सही फैसला लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान कश्मीर मुद्दे पर भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़ी तो वो तैयार हैं। दोनों देश कश्मीर पर बात कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के PM इमरान खान को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा को लेकर जैसा पहले से अंदेशा जताया जा रहा था वैसा ही हुआ है, यानी रक्षा सौदे पर सहमति बनी लेकिन दूसरे व्यापारिक मुद्दों पर सिर्फ बात हुई और रिश्ते मजबूत करने की बात कही गई। हालांकि एनर्जी सेक्टर में भी सौदा हुआ, लेकिन उसमें भी अमेरिका अपना सामान भारत को ही बेचेगा। बता दें, ट्रंप के 2 दिवसीय दौरे के बाद संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका के साथ $3 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ है। बिहार विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है और इसी के साथ अब फाइनल हो गया है कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा। वहीं NPR पर संशोधन के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव में कहा गया है कि NPR 2010 के आधार पर ही लागू किया जाएगा, यानी इसमें माता पिता की डिटेल देना जरूरी नहीं होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को एशिया एकादश टीम में शामिल किया गया है। यह टीम अगले महीने ढाका में बंगबंधु 100 ईयर सेलिब्रेशन के तहत विश्व एकादश के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। खबरों के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोहली को 1 मैच के लिए टीम में शामिल किया है, लेकिन यह उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा। BCCI ने हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इन मैचों का आयोजन 18 से 22 मार्च के बीच किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।